लवली एटम्स, मेरे प्यारे बच्चा लोग, मैं हूं अनुभा गौर, आप सबके केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई है। ये जो चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, इसको माना जाता है कि 10th क्लास का थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है। अगर मैं बात करूँ कि इसको ईजी कैसे बनाया जाए, तो मैंने बहुत तरीके से आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाना उमंग में, वन शॉट रिवीजन, वो भी 4 घंटे का, ताकि आपको इस चैप्टर का एक छोटे से छोटा टॉपिक भी मुश्किल ना लगे और उसको बहुत आसान बना दिया है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए सुपर हेल्पफुल साबित होगा कि मैम पूरा चैप्टर पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया है, लेकिन एक क्विक समरी चाहिए थी हमें, जिसको हम माइंड मैप भी बोल सकते हैं, कि एक माइंड मैप हो जिसके थ्रू हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले सके 15-20-25 मिनट में। तो वही आज हम करने वाले हैं, इस चैप्टर की क्विक समरी एंड ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं, ताकि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को और सुपर इजी बना दिया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेट फॉर इट। और जैसा मैंने बताया, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है माइंड मैप के थ्रू। अब यहाँ पढ़ाऊंगी लिखूंगी तो बहुत ज्यादा हैफजार्ड और बहुत क्योटिक लगेगा, इसी को मैंने 4-5 स्लाइड में बांट लिया है, तो पढ़ लेते हैं। अगेन, डिटेलिंग नहीं है, क्विक रिवीजन है, मेक सेंस? तो चलो फिर, बट थोड़ा सपोर्ट दिखाना है, लाइक कर देना वीडियो का, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप शेयर करोगे उनका भी भला हो जाएगा, एंड दिस वीडियो ऑल्सो गेट द सपोर्ट दैट इट नीडेड, कि हाँ भाई सबका भला हो जाए। एंड इफ यू आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू। तो चलो फिर, लेट्स स्टार्ट। एंड ये हमारे चैप्टर का ओवरव्यू नंबर 1, स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि कार्बन क्या है। कार्बन एक लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, जिसका मतलब होता है कोल। सबसे पहले कोल में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया गया। कार्बन नेचर में 2 तरीके से प्रेजेंट होता है, फ्री फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। फ्री मतलब जहां पे सिर्फ कार्बन हो, कुछ और नहीं हो, ठीक है। कार्बन खुद के साथ कंबाइन करता है एंड देता है हमें एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स होते क्या है, सेम एलिमेंट जिनके एटम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में जुड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देते हैं, जिनकी वजह से उनके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, बट केमिकली दे आर सेम। जैसे डायमंड एक 3-डायमेंशनल टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में होता है। ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं, उसमें हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होती है, शीट्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फुलरीन क्या है, बकमिंस्टर फुलर नाम के आर्किटेक्ट पे इसका नाम रखा गया था, उसने एक डोम शेप की बिल्डिंग प्रेजेंट की थी। 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और बोला हमारी जो डिजाइन है वो इसके डिजाइन से मैच करती है, तो उसके नाम पे दे दिया गया। C60 इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट में n नंबर ऑफ कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये एलोट्रॉप है, जिसमें कार्बन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था, लेकिन कार्बन कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, बाकी एटम्स के साथ भी जुड़ सकता है, जैसे नेचर में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स इन फॉर्म में मिलता है। अब इस कार्बन के पास ऐसा है क्या कि ये कार्बन अकेला मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है? 5 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड कार्बन के खोजे गए हैं और आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, क्योंकि कार्बन फॉलो करता है ये प्रॉपर्टी। कार्बन जो है उसका साइज बहुत छोटा है, कार्बन की कॉन्फिग्रेशन है 2-4, बहुत छोटा साइज है, तो कार्बन बाकी के कार्बन एटम के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच करता है, बहुत अच्छी फिटिंग करता है, और बहुत ही स्ट्रांग क्या बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन किस चीज में बिलीव करता है, शेयरिंग। वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बन के आते हैं, ठीक है। तो इट हैज वेरी स्मॉल साइज, सो इट मेक्स वेरी स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से कार्बन काफी सारे कंपाउंड बनाता है। कैटिनेशन, विच इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, वो खुद के साथ जुड़ जुड़ के स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और इवन साइक्लिक चेन बना सकता है। एंड अदर रीजन इज टेट्रावैलेंसी, कि इसके पास 4 वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 है, 4 अलग अलग एटम के साथ, सेम एटम के साथ, डिफरेंट एटम के साथ वो जुड़ सकता है, जिसकी वजह से भी देर आर पॉसिबिलिटी कि वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सके। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, कार्बन जब कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इन जनरली हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड है, जिनमें हम हाइड्रोजन को हटा के बाकी के एटम भी जोड़ सकते हैं। दोज आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। जिसको पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था कि वो सिर्फ लिविंग सब्सटेंसेस से, लिविंग बींग्स के थ्रू ही मिल सकते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था, कि एक वाइटल फोर्स, भगवान जैसी शक्ति चाहिए उसको बनाने के लिए। लेकिन फ्रेडरिच पोलर ने उसको गलत प्रूफ कर दिया लैबोरेटरी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी।
राइट। अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताऊं, हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला वो फॉलो करते हैं, कॉल्ड CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2, ठीक है, जिनको हम एल्केन के नाम से भी बुलाते हैं, जिनको हम एल्केन के नाम से भी बुलाते हैं, इनको हम पैराफिन वैक्स ये सब भी बुलाते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जहाँ पे आप एन की वैल्यू 1 रखते चले जाओगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, विच इज द नंबर ऑफ कार्बन, यू विल गेट अ सीरीज ऑफ एल्केन विच इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्टेन, हेप्टेन के बाद ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। बेसिकली हम कैसे किसी कार्बन कंपाउंड को नाम देते हैं, ये होता है उसका वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है कार्बन की चेन कितनी लंबी है, उसके बाद लगाते हैं सफिक्स जो बताता है कि वो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। वर्ड रूट सफिक्स लास्ट में, बट वर्ड रूट से पहले होता है प्रीफिक्स जो पहले लगने वाला होता है। प्रीफिक्स एक जो सब्सटेंस है वो साइक्लिक हो सकता है, अगर आपकी कार्बन की चेन साइक्लिक है तो साइक्लो नाम का प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। साइक्लिक का मतलब कार्बन के एंड्स आर नॉट फ्री, हमने उनको आपस में जोड़ दिया है, तब जाके साइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो मान लो मुझे सबसे सिंपलेस्ट अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो, दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन चाहिए मिनिमम साइकिल बनाने के लिए। सबसे एक साइक्लिक लूप की बात करूं, सबसे छोटी ट्रायंगल, राइट, 2 कार्बन का तो बन ही नहीं सकता कोई लूप। तो सबसे जो छोटा, सबसे सिंपलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा हो सकता है स्टूडेंट्स? दैट इज माय साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं आपको साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर बताऊं, साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? साइक्लो मतलब साइक्लिक है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, एल्केन का मतलब देर आर सिंगल बॉन्ड, लाइक दिस। बट अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से तो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। 3 कार्बन ऐसे जुड़े हैं और हर एक के पास 1-1 बॉन्ड के थ्रू, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन जुड़े हैं। दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और वो वैलेंसी कौन पूरे कर लेते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप साथ में अटैच कर सकते हो। तो साइक्लो यहाँ पे एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है, प्रॉप यहाँ पे वर्ड रूट है कि 3 कार्बन है, एन क्या बता रहा है? सफिक्स है, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्डिंग दैट इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वन मोर कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनका नेचर साइक्लिक भी है। दूसरी कैटेगरी आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है, दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होता है उनको एल्कीन बुलाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होता है उनको एल्काइन बुलाया जाता है। अगर मैं एल्कीन का फॉर्मूला बताऊं, दैट इज CnH2n, ठीक है, जहां पे n की वैल्यू 1 से शुरू नहीं होती, 2 से शुरू होती है, ठीक है। n की वैल्यू 2 से क्यों शुरू होती है? अगर आप 1 वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला CH2, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो ही नहीं सकती, तो दिस इज नॉट स्टेबल। कार्बन की वैल्यू 2 से शुरू होती है, फिर 3, 4, 5, अगर आपको सारे फॉर्मूला लिखने हैं तो पहला हो जाएगा C2H4 विच इज इथीन। इन यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सफिक्स का। इन बताता है कि देर इज अ डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, दैट इज ओनली देयर इन योर सिलेबस, एक डबल बॉन्ड लगाना है। फिर आता है प्रोपीन विच इज C3H6, ठीक है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, C3H6, ब्यूटीन 4 कार्बन, एंड सो ऑन। लेकिन आपके साइक्लिक कंपाउंड में भी ये कैटेगरी हो सकती है। अगर मैं आपको इसको साइक्लिक तरीके से बनाना सिखाऊं तो साइक्लिक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैं ये भी बना सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, मैं ये भी बना सकती हूँ, कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। प्रॉप क्यों? क्योंकि साइक्लिक बनाने के लिए 3 कार्बन मिनिमम चाहिए, विच इज लाइक दिस। ये बन गया प्रॉप, साइक्लिक भी हो गया, एक डबल बॉन्ड लगा दो। Then you put hydrogen in such a way that every carbon makes 4 bond. This is cyclopropene. यानी कि आपके alkene saturated नहीं, unsaturated होते हैं, लेकिन cyclic जरूर हो सकते हैं, ठीक है? This is your cyclopropene. Now if I talk about alkyne, carbon carbon triple bond, जिसका formula होता है CnH2n-2, जहाँ पे भी n की value 2 से शुरू होती है। Why 2? क्योंकि अगर आप 1 रखोगे, you will get C1H0. There are no hydrogen present at all. तो ऐसा हाइड्रोकार्बन कैसे हो सकता है? कार्बन की वैलेंसी 4 भी सैटिस्फाई नहीं होगी। तो एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन 2 कार्बन वाला सबसे सिंपलेस्ट होगा, विच इज इथाइन, ठीक है। वाई इथाइन? इथ का मतलब 2 कार्बन, तो सबसे जो सिंपलेस्ट होगा दैट इज योर इथाइन, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज इथाइन। इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला हो गया C2H2, ठीक है, यही कॉपी हो गया। प्रोपाइन हो गया C3H4, ब्यूटाइन हो गया C4H6।
तो यहाँ बस वाई लगाना है, ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन एंड सो ऑन, दिस इज द कैटेगरी ऑफ योर एल्काइन, आई होप यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, अभी कोई दिक्कत परेशानी, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के अलावा, समटाइम्स आई टोल्ड यू डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन को हटा के कुछ और एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगाए जाते हैं जिनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो एक नई केमिकल प्रॉपर्टी का इजाद कर देते हैं मेरे हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, तो मेरा हैलोजन एक फंक्शनल ग्रुप जरूर है, लेकिन वो जनरली मेरे फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह काम करते हैं, सबसे लास्ट में लगते हैं, सवाए हैलोजन के। हैलोजन एक प्रीफिक्स का काम करता है और हेलो वाला साउंड देता है, क्लोरीन क्लोरो ब्रोमीन ब्रोमो सो ऑन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास C2H6 नाम का एल्केन था, इस एल्केन में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की और क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया, एक क्लोरीन नाम का मैंने फंक्शनल ग्रुप भी डाल दिया, इसका नाम स्टार्टिंग में आएगा, इसको बोलेंगे क्लोरो इथेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन, क्योंकि क्लोरो प्रीफिक्स है, सबसे पहले आएगा, राइट। लेकिन ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब किसकी तरह काम करते हैं, सफिक्स की तरह, इनको सबसे लास्ट में नाम देते हैं। और अल्कोहल किसी सब्सटेंस के अंदर हो तो उसके एंड में ओ लगाएंगे, एल्डिहाइड के लिए CHO लगाएंगे, कीटोन के लिए CO लगाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH लगाएंगे। ओल सबसे एंड में, एल्डिहाइड के लिए अल लगेगा, कीटोन के लिए ओन लगेगा और इसके लिए ओइक एसिड लगेगा। ठीक है, लेट्स टेक वन वन एग्जाम्पल ऑफ द सेम, फिर आगे बढ़ेंगे करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास मीथेन था, मैं हाइड्रोजन हटा के OH ऐड करूं, मेरे पास बन गया मीथेनॉल। ठीक है, मेरे पास इथेन था, मैं हाइड्रोजन हटा के OH ऐड करूं, मेरे पास बन गया इथेनॉल। ठीक है, मतलब लास्ट में ओल जुड़ जाएगा, ये मीथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल हो गया, सो ऑन, राइट। इनका जनरल फॉर्मूला हो गया ROH, ये ROH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, R क्या है, योर एल्काइल ग्रुप, दिस इज योर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, ये एल्केन थे उसे एक हाइड्रोजन कम, दैट इज योर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1, ये CnH2n+2 था, ये 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो इसको मैं इस नाम से भी बुला सकती हूँ, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन, राइट। अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रीजन बी, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन से शुरू होते हैं, अगर ये कार्बन से शुरू होते तो इनका कार्बन भी काउंट किया जाएगा वाइल नेमिंग इट। तो मान लो मैं एल्डिहाइड की बात करूं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO, एल्काइल ग्रुप के साथ CHO जुड़ा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, RCOOH, एल्काइल चेन के साथ COOH जुड़ा हुआ है, विच इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें कार्बन पहले से है, तो ये जो एल्काइल चेन जिनका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी वैल्यू जीरो से शुरू हो। क्यों? क्योंकि वन रखोगे तो दो कार्बन आ जाएंगे, मुझे सबसे सिंपलेस्ट वन लिखना है, तो वन नहीं रखेंगे, जीरो रखेंगे। इस फॉर्मूला में जीरो रखो, इट विल गिव HCHO, वन रखो, इट विल गिव CH3CHO, टू रखो, इट विल गिव CH3CH2, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप फिर CHO, सेम हियर, यहाँ पे वन आई मीन जीरो रखो HCOH आएगा, वन रखो ये बन जाएगा CH3COOH, टू रखोगे वही C2H5 और ये बन जाएगा COOH एंड सो ऑन। C2H5 को मैंने यहाँ पे ओपन करके CH3CH2 लिख लिया है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाम कैसे दोगे, एल्डिहाइड के लिए एंड में लगता है अल, एक कार्बन है मीथेनल, दो कार्बन है इथेनल, तीन कार्बन है प्रोपेनल। यहाँ पे देखो, एक कार्बन है मीथेनोइक एसिड, क्योंकि लास्ट में ओइक एसिड लगेगा, इथेनोइक एसिड, दो और एक तीन, इसको काउंट करना मत भूलना, प्रोपेनोइक एसिड। और आप सब एक बहुत ही कॉमन चीज देखते हो, बहुत ही कमाल की चीज देखते हो, कि इन सब के अंदर एक कॉमन फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, चाहे एल्डिहाइड की बात करूं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, अल्कोहल की बात करूं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, सबके सब में कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है उनका। ठीक है, जनरल फॉर्मूला, उन सब एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है ना, सब एक कैटेगरी के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज दैट हैज अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप की वजह से कितना मास का डिफरेंस आ गया, 12+2,
14 यूनिट मास हर बार बढ़ता चला जाएगा। जब मास बढ़ता है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा बिकॉज साइज और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ गया। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है एक सीरीज ऑफ यू नो कंपाउंड में जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, आई मीन केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन यहाँ पे बात करूँ मेरा CH2 ग्रुप बढ़ रहा है मतलब मास बढ़ रहा है, मास फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो एल्काइल ग्रुप पे क्या डिपेंड करता है, एल्काइल ग्रुप पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो ये सब के सब क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका एक क्विक ओवरव्यू ले चुके हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव क्या है, आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर मैं बता देती हूँ, कीटोन के बारे में भी बता देती हूँ, दैट कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज नॉन टर्मिनल इन नेचर। नॉन टर्मिनल मतलब वो किसी कोने पे नहीं जुड़ता, बीच में जुड़ता है। CO ग्रुप के इधर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, ये कीटोन है। ठीक है, और R का मतलब है एल्काइल ग्रुप जिसका फॉर्मूला है CnH2n+1। एन की वैल्यू 1 रखो, CH3CO CH3। 1 क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि यही बोला है कि नॉन टर्मिनल है, इधर भी कार्बन होना जरूरी है, इधर भी कार्बन होना जरूरी है, तब कीटोन बनता है। कीटोन एंड्स विद ओन, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, फिर लगता है एन क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में लगेगा ओन। तो दिस इज प्रोपेनोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर इज अ कीटोन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं आइसोमर की। आइसोमर क्या होता है स्टूडेंट्स, आइसो वर्ड का मतलब है सेम, मर का मतलब है यूनिट। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स क्या फॉलो करते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, नहीं बदलता, लेकिन वो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा सकता है, अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो सकते हैं उनमें। वही मेरा आइसोमर है, दैट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर अलग हो गई, प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एल्केन का आइसोमर्स आपके सिलेबस में है, एल्केन के नंबर ऑफ आइसोमर बताने हो, आप कैसे बताओगे, ये फॉर्मूला 2^(n-4+1) when n is the number of carbon, यानी कि n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन आपके 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए तभी वो आइसोमर बनाएगा, 3 कार्बन तक में आइसोमर नहीं बनेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे जो सिंपलेस्ट एल्केन है वो ब्यूटेन होगा जो आइसोमर बनाएगा, फॉर्मूला इज C4H10। ठीक है, तो अब देखो कितने आइसोमर बनेंगे इसके, 2, यहाँ पे रखो 4-4 0 हो गया, ये 1+1 2, 2 आइसोमर बनाएगा। एक में आपने चारों कार्बन ऐसे रखे, एक में एक ब्रांचिंग दिखा दी, क्योंकि आइसोमर होते क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में मैंने तोड़ दिया उसको। ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, सो दैट वैलेंसी विल बी व्हाट, 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लगा लो, सो दैट वैलेंसी विल बी 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इनकी नेमिंग कैसे करोगे बताओ मुझे, लेट्स डू द नेमिंग ऑफ दिस सब्सटेंस। इफ आई हैव टू नेम दिस सब्सटेंस व्हाट विल बी द नेम, ये हो जाएगा ब्यूटेन, आल्सो कॉल्ड एज एन ब्यूटेन। एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, जिसमें सेकेंड कार्बन, अगर आपकी एक चेन ऐसी है जिसमें सेकेंड कार्बन पे ये एक अल्काइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, उसके लिए हम लगाते हैं आइसो, तो वो बन गया आइसो ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरीके से आप पेंटेन के आइसोमर बना लो, 3 आइसोमर बनेंगे। हेक्सेन के आइसोमर बनाओगे, 5 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर कोई आइसोमर ऐसा है जिसमें एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन पे जुड़ा है, उसके लिए नियो लगता है स्टार्टिंग में। तो अगर मैं पेंटेन का एक आइसोमर बनाऊंगी, एक आइसोमर आएगा नियो पेंटेन। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होगा, 5 कार्बन हो गए, दैट इज कॉल्ड इज नियो पेंटेन, दिस इज आइसोमर। आइसोमर की एक और खास बात आप देखोगे, CnH2n ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला एल्कीन का भी होता है और साइक्लिक वाले मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी होता है। जैसे अगर मान लो मुझे फॉर्मूला लिखना हो C4H8, ठीक है, और मैं इसके पॉसिबल आइसोमर बताऊं, इसका एल्कीन भी बन सकता है विच इज ब्यूटीन, इसका साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बन सकता है दैट इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का भी सेम फॉर्मूला होगा, 4 कार्बन है ऐसे जुड़े हुए हैं और सबके पास 2-2 हाइड्रोजन है, देखो C4H8 तो हुआ। ठीक है, यानी कि साइक्लो एल्केन, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, साइक्लो एल्केन, साइंटिफिक नेम साइक्लो एल्केन, और आपके एल्कीन भी आइसोमर होते हैं। मेक सेंस, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं जो कार्बन्स कंपाउंड है किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड है अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं।
एल्केन्स जो होते हैं मेरे सैचुरेटेड सब्सटेंस शो करते हैं सब्सटीट्यूशन. सैचुरेटेड सब्सटेंस क्या शो करते हैं? सैचुरेटेड जो मेरे एल्केन है सब्सटीट्यूशन, जिसमें हाइड्रोजन बाकी के एटम से डिस्प्लेस होकर उसके जगह ले सकता है, सब्सटीट्यूट हो सकता है. जैसे CH4 है आपका, मीथेन है, मैं इसमें क्लोरीन डाल दूं. और याद रखना जब भी मैं कोई हैलोजन डालूंगी सनलाइट की जरूरत होगी ताकि ये हैलोजन टूट जाए, इस पर अटैक कर सके. और वो क्या करेगा, एक HCl को ले जाएगा, ठीक है. जैसे ही ले गया ये वाला क्लोरीन इसकी जगह ले सकता है, सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये क्या बन गया, CH3Cl. और क्लोरीन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस है. मैं जब तक इसको प्रोवाइड करती रहूंगी सारे के सारे हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होते रहेंगे और मुझे फाइनली ये प्रोडक्ट मिल सकता है विच इज CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन. सब्सटीट्यूशन किस में पॉसिबल है? एल्केन में. रीजन, क्योंकि एडिशन हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी चार एटम से जुड़ा है, ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन की, एडिशन किसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी है. मान लो ये है मेरा एल्कीन है मेरा, इनमें हर एक कार्बन को जब आप ऑब्जर्व करोगे वो तीन एटम से जुड़ा है, ठीक है. ये भी तीन से जुड़ा है, ये भी तीन से, मैक्सिमम चार से जुड़ सकता है. तो इनमें एडिशन की पॉसिबिलिटी है. एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है. हाइड्रोजन को ऐड करो, दो हाइड्रोजन ने आना है, एक यहाँ पे आ सकता है एक यहाँ पे, ताकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए. एंड दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. ये था एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ये था एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, वो बन गया एल्केन. एल्कीन को एल्केन बनाना है, हाइड्रोजनेशन कर दो, यानी कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेट में कन्वर्ट कर सकते हो. इसकी फेमस एप्लीकेशन कहाँ होती है? घर में वेजिटेबल ऑयल मिलता है, वो अनसैचुरेटेड फैट है, उससे वेजिटेबल घी बना सकते हो. डालडा घी नाम से मार्केट में मिलता भी है, क्योंकि जो घी होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है. तो उस अनसैचुरेटेड ऑयल से मैंने सैचुरेटेड फैट घी बना दिया. दो घी जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है. प्लीज रिमेंबर दैट. पेपर में सवाल आता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, केमिकल टेस्ट. तो एक बहुत ही प्यारा सा केमिकल टेस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स. और वो बहुत प्यारा केमिकल टेस्ट क्या है, इसका ब्रोमिनेशन कर दो, ठीक है. ब्रोमीन वाटर डाल दो, ब्रोमीन विद वाटर. ब्रोमीन वाटर एक रेडिश ब्राउन कलर का सोल्यूशन है, ठीक है. ये एल्कीन है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर एल्कीन होगा तो इसमें एडिशन पॉसिबल है. एक ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ जाएगा. तो जो पहले ये था, ठीक है, ये था ना, एक मिनट, जस्ट वन मिनट, ये हमने जोड़ा था, ये मैं हटा देती हूँ. अब ये क्या बन गया, ये था. अब ये ब्रोमीन एक यहाँ आके जुड़ गया, एक यहाँ आके जुड़ गया. और वो जो कलर है ना, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, वो कलर डिसअपियर हो गया, वो कलर अब कलरलेस हो गया. आपने ब्रोमीन वाटर डाला, जैसे ही एल्कीन में डाला उसका कलर डिसअपियर हो गया, यानी कि वो कंपाउंड एल्कीन था या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड था. ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है ऐसा, एडिशन करते जाओ जब तक कि सिंगल बॉन्ड नहीं मिल जाता, ठीक है. लेकिन अगर एल्केन होता तो रिएक्शन ही नहीं होती. रिएक्शन नहीं होती मतलब ब्रोमीन वाटर का कलर सेम रहता, बिकॉज नो रिएक्शन हैपेंड विद ब्रोमीन, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट. कार्बन के कंपाउंड कंबशन रिएक्शन भी दिखा सकते हैं. कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर. मीथेन गैस है, ऑक्सीजन में बर्न किया, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हो CO2 निकलती है, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. उसके अलावा इथेनॉल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है. इथेनॉल की एक बड़ी ही प्यारी प्रॉपर्टी होती है, आप क्या करो उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो इन दोनों में से कोई एजेंट डाल के. एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. इनका काम क्या है? दो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, दो फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे एक ऑक्सीजन को लेके और बन जाएगा वाटर. दो हाइड्रोजन गए, एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन बचा वो यहाँ पे एंटर कर जाएगा. तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3C, ये गया, एक ऑक्सीजन आया, फिर OH, ठीक है. एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना. एक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है. तो ये सारी रिएक्शन कौन दिखाते हैं? मेरे कार्बन के कंपाउंड. और इन पर बहुत सारी मेरी इंडस्ट्री फॉलो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं
इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में डिटेल से गिवन है, आपको पता होने चाहिए। इथेनॉल क्या होता है? इथेन प्लस ओल, इथेन से हाइड्रोजन हटा के OH डाल दिया, तो इसका फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है और फिर OH, दिस इज योर इथेनॉल। इथेनॉल में जो हाइड्रोजन है ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है कि अगर कोई ज्यादा एक्टिव मेटल डालो तो हाइड्रोजन उसकी जगह ले लेगा। यहाँ पे देखो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह ले सकता है। वैसे अल्कोहल न्यूट्रल होता है बट वो एम्फोटेरिक नेचर भी दिखाता है, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। क्या बन गया? CH3CH2ONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम है, ये इथेन है और ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करे, इट एंड्स विद ऑक्साइड, सो सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल गया। यू कैन चेक इथेनॉल बाय पासिंग सोडियम गैस, आई मीन सोडियम मेटल, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस पर डालोगे ना, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम है पानी को निकाल देना। देखो H2O निकाल दो यहां से, क्या बचा? CH3 और CH, इसको ढंग से लिखो क्योंकि ये ब्रेकअप सही नहीं है, बन गया CH2CH2, ठीक है। ये आपका एल्कीन होता है। जब आप अपने अल्कोहल से वाटर निकाल दो तो एल्कीन बचता है, C2H4, दो कार्बन बच गए, 4 हाइड्रोजन बच गए। यानी कि इथेनॉल से इथीन बनाना है तो कैसे बनाओगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। इथेनॉल एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इथेनॉल प्योर फॉर्म में पावर अल्कोहल कहलाया जाता है, 100% जो होता है। अगर मैं बात करूं 95% अल्कोहल, वो स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें 95% अल्कोहल और 5% पानी हो, ठीक है। अल्कोहल बहुत सारे पेंट, डाई, कफ सिरप्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह में भी बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके बैड इफेक्ट ये है कि लोगों को इसकी हैबिट हो जाती है, ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से लोग सोसाइटी में ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं, लिवर डिजीज हो जाती है, काइरोसिस एंड ऑल, एंड अल्टीमेटली कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो दैट इज समथिंग, इसको बचाना बहुत जरूरी है अल्कोहल को लोगों के मिसयूज होने से। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब इंडस्ट्री लेवल पे आप उसको यूज करते हो तो आप उसको डीनेचर कर देते हो, उसका नेचर बदल देते हो, उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इसके लिए क्या करोगे, उस अल्कोहल के अंदर थोड़ा सा अमोनिया डाल दिया, मीथेनॉल डाल दिया, क्योंकि मीथेनॉल बहुत टॉक्सिक होता है, वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, डेथ भी हो सकती है, या कॉपर सल्फेट डाल दिया जिससे उसका कलर बदल गया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात करूं, स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेन प्लस ओइक एसिड, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द फॉर्मूला। क्योंकि एसिड है, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ चुके हो, एसिड की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम एसिटेट। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं CH3COONA और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सोडियम एसिटेट बन गया, ठीक है। आप इनको मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे, सॉल्ट वाटर CO2 निकलेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेकिंग सोडा टेस्ट भी बोलते हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हो। ये हेल्प करता है टू टेस्ट योर इथेनोइक एसिड, हाउ, बिकॉज यू नो दैट बेकिंग सोडा को जैसे एसिड में डालोगे, सॉल्ट वाटर CO2 निकलेगी, ब्रिस्क एफर्विसेंस, सडन बबल फॉर्मेशन, ठीक है। कोई पूछे हाउ यू विल टेस्ट इथेनोइक एसिड, बोलो मैंने बेकिंग सोडा टेस्ट किया और उसके अंदर से CO2 गैस ब्रिस्क एफर्विसेंस के फॉर्म में निकल रही है। इथेनोइक एसिड से विनेगर बनाया जाता है, आप सबको पता ही होगा, 5-8% सोल्यूशन, इसी को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्योर एसिटिक एसिड होता है इसका मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट 15-16 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। तो सर्दी में 15 डिग्री से जैसे कम ज्यादा टेम्परेचर फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ग्लेशियर जैसा लगता है, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। मेक सेंस स्टूडेंट्स? सही है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं किस तरीके की रिएक्शन हमें शो करता है स्टूडेंट्स। अगर मैं कार्बन कंपाउंड की बात करूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए कि ये जो इथेनोइक एसिड मैंने बताया इथेनॉल, ये आपस में रिएक्ट करके एस्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैंने क्या किया, मैंने इथेनोइक एसिड ले लिया, ये इथेनॉल ले लिया। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, वाटर निकालना, ठीक है। तो एक इथेनॉल इथेनोइक एसिड से क्या होगा, वाटर निकलेगा, यहां से एच गया, यहां से OH गया, पानी निकला, आपस में जुड़ गए, एस्टर बन गया, CH3CO C2H5। एस्टर की एक बहुत ही स्वीट स्मेल होती है। एस्टर को कैसे पहचानोगे, इट हैज अ वेरी स्वीट स्मेल, जैसी स्वीट स्मेल आनी शुरू होगी एस्टर बन गया। फॉर्मूला क्या है, CH3COC2H5। एस्टर इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या है, बीच में ये ग्रुप होगा COO। इसको नाम कैसे देते हैं, कार्बन की चेन ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक हो गई,
तो ये बन गया एक एल्काइल ग्रुप, इथाइल एक एल्काइल ग्रुप बन गया, दो कार्बन वाला एस्टर बचा, इथेन दो कार्बन के लिए, ओएट एस्टर के लिए, बिकॉज एस्टर एंड्स विद ओएट जैसे अल्कोहल एंड्स विद ओएच, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इथाइल इथेनॉइट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इथाइल इथेनॉइट। एक एस्टर है, रिएक्शन को बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। ये भी आपका एसिड या अल्कोहल टेस्ट करने में हेल्प करेगा, पूछे ये अल्कोहल है बताओ, आप उसमें एसिड डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, कुछ टाइम बाद स्वीट स्मेल आने लगेगी, एस्टरिफिकेशन हो गया। ये एस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही स्वीट स्मेल देते हैं, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होते हैं, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह बनाने में भी। इन एस्टर के अंदर बेस हाइड्रोलिसिस करके ही आप सोप बनाते हो, बेस हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यानी कि आप एक्वस NaOH डाल दो या एक्वस KOH डाल दो, ठीक है। एस्टर के अंदर, एस्टर कुछ नहीं, आपके एनिमल फैट होते हैं या वेजिटेबल फैट होते हैं, ठीक है। आप जब ये फैट लेते हो, यानी कि वेजिटेबल ऑयल हो गए आपके, उनमें से जब आप एक्वस NaOH पास करोगे, जो अल्कोहल आपने यहाँ लिया था वो वापस मिल जाएगा और सोप बनेगा। जो अल्कोहल लिया था, एस्टर कैसे बना था, एसिड और अल्कोहल को यूज करके, ठीक है, उस एस्टर में बेस डाला, वही अल्कोहल वापस मिल गया, उसको रिएजेंट बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो वापस मिल जाए और क्या बना लेता है, सोप। सोप बेसिकली क्या है, सोडियम या पोटाशियम जो भी आप यहाँ लेते हो उसका सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाता है ना, ये तो निकल गया, ठीक है। एक सोप का एग्जाम्पल दूं, ये एक सोप है, ये कार्बन की एक लंबी चेन थी जो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने ली थी, बहुत कार्बन की लंबी चेन लेनी पड़ती है, तो ये वाला पार्ट एसिड से आया है, ये वाला पार्ट ये बेस से आया है, ठीक है। ये इस कौन से वाले एसिड से है, स्टियरिक एसिड C15H31COOH, ये मेरा स्टियरिक एसिड, सॉरी पाल्मिटिक एसिड था, इसको क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में मैंने हाइड्रोजन हटा के Na लगा दिया, वो Na कहाँ से आया, इस बेस से। ये एसिड वाला पार्ट कहाँ से आया, एस्टर में, क्योंकि एस्टर को बनाने में एसिड यूज हुआ था, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी मेक द सोप, पाल्मिटिक एसिड, हाइड्रोजन हटके सोडियम लग गया, इसको बोलते हैं सोडियम पाल्मिटेट। बहुत अच्छा सोप का रिएजेंट है, इसको आप बहुत सारे शैम्पू में या सोप में देख सकते हो। एक और होता है सोडियम स्टियरेट, अगर मैंने एसिड ये वाला यूज किया था, स्टियरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन हटा के Na लगा दिया, सोडियम स्टियरेट, ये सोप है। सोप बहुत अच्छा क्लिनजिंग एक्शन शो करते हैं, और इनका काम क्या होता है सोप का, मान लो आपके कपड़े पे डस्ट डर्ट लगा है, आपने उसको धोने की कोशिश की, नहीं उतरेगा, क्योंकि डस्ट डर्ट ग्रीस है, उनका नेचर होता है नॉन आयनिक, हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होना चाहते, तो पानी में वो डस्ट डर्ट या ऑयल निकलेगा ही नहीं। आपने सोप डाल दिया पानी में, सोप के अंदर बेसिकली क्या होती है, ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो खुद नॉन आयनिक है, ऐसे टेल की तरह, वी कॉल इट अ टेल, टैडपोल जैसा, हाइड्रोफोबिक टेल, नॉन आयनिक टेल, और हेड ऐसा होता है जो क्या होता है, आयनिक होता है। तो जैसे ही पानी में सोप डालोगे आप, और वो डस्ट डर्ट ग्रीस पड़ा हुआ कपड़ा है, तो डस्ट डर्ट ग्रीस के साथ ये टेल आके जुड़ जाएगी, क्योंकि सेम नेचर है, ठीक है, सेम नेचर है। मैं इसको एक बार इरेज करके बता देती हूँ, ये डस्ट डर्ट था, आपने पानी में इसको डाला हुआ था, ऑयल था, ऐसे ऐसे जुड़ने लगेगा, टेल जुड़ जाती है उस ग्रीस के पार्टिकल से, क्यों, क्योंकि सेम नेचर है, नॉन आयनिक हाइड्रोफोबिक, इसका भी जो नेचर है नॉन आयनिक हाइड्रोफोबिक, लेकिन ये जो हेड है इससे दूर जाने लगता है, और दूर जाने का रीजन ही क्या है स्टूडेंट्स, दूर जाने का रीजन है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, ये हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, पानी की तरफ जाएंगे, और पानी की तरफ क्यों जाते हैं, पानी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि पानी का नेचर भी तो ऐसा होता है आयनिक, ठीक है, तो लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है उसको वैसा ही नेचर चाहिए। तो हेड पानी की तरफ, डस्ट डर्ट या ग्रीस किसने कैप्चर कर ली, टेल ने, स्फेरिकल एग्रीगेशन बन गया, जिसका सरफेस का जो नेचर है हाइड्रोफिलिक हो गया, वाटर लविंग हो गया, जो हमें चाहिए था, जिसने डस्ट डर्ट को कैप्चर किया हुआ है, अब पानी में आ जाएंगे जब आप उसको ऐसे एग्रीगेट करोगे, क्योंकि बाहर का नेचर हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, इस तरीके से डस्ट डर्ट ग्रीस पार्टिकल पानी में आ जाते हैं। दिस इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसिल, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसिल, मिसिल, दिस इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। बट हार्ड वाटर में सोप का क्लेंजिंग एक्शन शो नहीं होता, रीजन बींग क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड ये होते हैं जो पानी को हार्ड बना रहे हैं, ये मिनरल्स पानी में क्लेंजिंग एक्शन नहीं शो होने दे रहे। तो जब आप सोप डालोगे, सोप उससे रिएक्ट करके स्कम बना लेता है, विच इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो नीचे सेटल होने लगते हैं, क्लेंजिंग एक्शन गया भाड़ में, क्यों, क्योंकि वो यूज हो गया हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में,
ठीक है। तो जो क्लेंजिंग एक्शन है हार्ड वाटर में सोप का काम नहीं करता, तब हम यूज करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के अंदर एक लॉन्ग कार्बन की चेन होती है और वो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट किसके होते हैं, सल्फोनिक एसिड के। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, लॉन्ग कार्बन की चेन 12-13 सल्फोनिक एसिड है ये। आपने हाइड्रोजन हटा के Na लगा दिया, ठीक है, यानी कि वो सोडियम पोटेशियम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट किसके होते हैं, सल्फोनेट के, ठीक है, या फिर वो अमोनियम सॉल्ट होते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होते हैं। कार्बन की एक लंबी चेन होती है अमोनियम सॉल्ट में और क्लोराइड। ये जो है ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो पानी के अंदर अगर ऐसे कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपाउंड या आयोन्स पड़े भी हैं तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, पड़े रहने दो, ये अपना क्लेंजिंग एक्शन दिखाएंगे और काम खत्म कर देंगे। तो डिटर्जेंट की एडवांटेज है सोप के ऊपर कि हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते नेचर के अंदर सिंपलर सब्सटेंस में, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। सो आई मस्ट से आई कैन टेल यू द इंटायर क्विक रिविजन ऑफ कार्बन कंपाउंड इज डन। I know it took a little bit of time, but I guess it's worth it, क्योंकि quick revision काफ़ी सही से हो गया। अब I hope आप सबको important topics याद रहे होंगे। You guys can enroll in Drona also, जिसमें हम सारे master teachers आपके revision में help करेंगे। Link is there in the description box, 10th class. Do not miss it. I hope you like the video. Do let me know in the chat, in the comment section के हाँ मैम quick revision बहुत अच्छा रहा। इन माइंड मैप को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इट विल बी सुपर हेल्पफुल इन द एग्जाम टाइम। खुद से भी बनाने की कोशिश करो। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट और अमेजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर माई एटम्स, हास्ता ला विस्ता।